जय श्री राम। कैसे हुआ था माता सीता का जन्म? आइए इस बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने माता सीता के जन्म की कथा विस्तार से बताई है। जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुंचते हैं, तब मिथिला नगरी के राजा जनक ने उन्हें अपनी बेटी सीता के जन्म के बारे में बताया है। वे कहते हैं, जब मिथिला नगरी में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, कई वर्षों से वहां अकाल पड़ गया था। नगर के सारे निवासी पानी न होने के वजह से बेचैन हो गए थे। उन्होंने जाकर राजा से कोई हल ढूंढने के लिए कहा। मिथिला नगरी के राजा बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने ऋषि मुनियों से इस समस्या का समाधान बताने को कहा। ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि स्वयं जाकर वह कड़ी मेहनत के साथ खेत में हल चलाए, जिससे इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो जाएंगे और इस समस्या का समाधान जरूर निकल आएगा। ऋषियों की राय मानकर राजा जनक खेत में हल चलाने लग गए। स्वयं मिथिला के राजा खेत में हल चला रहे हैं, यह देखकर सारे नगर के निवासी इकट्ठा हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि राजा की मेहनत का फल उन्हें जरूर मिले। तब अचानक हल जोतते हुए उनके हल का फाल जमीन में किसी कठिन चीज से टकरा गया और फंस गया। यह देखकर राजा ने उस जगह पर खोदने के लिए कहा। तब सिपाहियों ने फंसे हुए फाल को बाहर निकाला और वहां की जमीन खोदने लगे। जैसे ही जमीन में थोड़ा सा गड्ढा बन गया, उसमें से एक बड़ी सी पेटी बाहर निकली। राजा जनक और उनकी रानी सूर्यनैना ने उस पेटी को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा। पेटी के अंदर एक नन्ही सी बालिका दिखाई दी। ये देखकर राजा जनक और उनकी रानी सूर्यना के साथ सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब अचानक आकाश से मेघ गरजने लगे और जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर खुशी से लोग झूमने लग गए। राजा जनक के हल से टकराकर जमीन से प्रकट हुई इस बालिका ने तो मिथिला नगरी का अकाल ही मिटा दिया था। राजा जनक ने उस नन्ही सी बालिका को अपनी बेटी मान लिया। हल के सीत से टकराने के वजह से उसका नाम सीता रखा गया। धरती से प्रकट हुई वह कन्या भूमिका के नाम से भी जानी गई। राजा जनक की पुत्री की कन्या जानकी के नाम से भी जानी गई। मिथिला नगरी की राजकुमारी को मैथिली भी कहा जाने लगा। असाधारण रूप से प्रकट हुई माँ सीता का विवाह आगे जाकर भगवान श्री राम के साथ हुआ। सीता माँ के जीवन काल में कई परेशानियां आई, किंतु अपने धैर्य निष्ठा और पतिव्रता के धर्म के बल पर उन्होंने सारी मुश्किलों का सामना किया। सभी लोगों के लिए वो एक आदर्श स्त्री बनी। आज भी सारे भक्त भगवान श्री राम के साथ माता सीता का पूजा अर्चना करते हैं। मिथिला नगरी आज भी नेपाल देश में स्थित है, इसलिए वहाँ भी माँ सीता की पूजा होती है। सीता नवमी के दिन कई स्त्रियाँ अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उनकी पूजा करती हैं। कई भक्त उनके दर्शन के लिए नेपाल के मिथिला नगरी में जाते हैं। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में जन्मी माँ सीता का जन्म दिवस पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।